नीलकंठ विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना गया है। प्रश्न उठता है कि नीलकंठ के दर्शन उस पक्षी के दर्शन करने से क्या लाभ है और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, कभी तो इसकी पौराणिक कथा होगी, अवश्य है। सर्वप्रथम नीलकंठ का दर्शन करने से कई प्रकार के शुभ लाभ मिलते हैं, इसमें शुभता मिलती है कई प्रकार की। एक बहुत ही अच्छा वो शगुन माने और विजयादशमी के दिन करना इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आप विजयी होंगे, आने वाले कार्य में आपको प्रगति मिलेगी, उन्नति होगी और शुभता मिलती है। कारण भी क्या है, इसकी दो कथाएं हैं। श्री राम जब लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जब प्रस्थान किया तो नीलकंठ का दर्शन हुआ था, यह बात उन्हें स्मरण रही। और ये चली कि जब नीलकंठ का दर्शन होता है तो शुभ होता है, किंतु उससे भी बड़ी बात, उससे बड़ी बात यह है कि लंकाधिपति रावण का जब श्री राम ने वध किया तो एक कहावत है कि रावण चूंकि ब्राह्मण भी थे, बहुत प्रकांड विद्वान, सारी बातें अपने स्थान पर है, तो एक ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगा श्री राम पर। तो भगवान के अवतार हैं, वो श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, वे तो उन सबों से ऊपर हैं, किंतु त्रेता में भगवान राम ने ये ऐसी लीला रची कि कलयुग के लोगों को एक संदेश कि किस प्रकार से जीवन में मर्यादा का पालन करना है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इस बात का संदेश देने हेतु उन्होंने ये पूरी लीला रची है। आइए अगर लीला की ही बात है तो उस दृष्टिकोण से समझते हैं कि जब भगवान को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, पाप लगा, तो उसका पश्चाताप करने के लिए भगवान श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ महादेव जी की पूजा की। उनके पूजा करने से भगवान महादेव प्रसन्न हुए, अपनी उनकी तपस्या को स्वीकार किया और नीलकंठ पक्षी के रूप में इस धरती पर उनका आगमन हुआ था, वो पधारे थे, इसलिए यह भी शुभता है। और उस दिन था विजयादशमी के दिन, तो विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करते हैं तो कई प्रकार की शुभता मिलती है। साथ ही साथ भगवान श्री राम का तो आपको अनुकंपा मिलेगा ही, माता जगदम्बा माँ भगवती का भी मिलेगा और महादेव आदि देव महादेव की भी अनुकंपा इसमें मिलती है, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। इसलिए नीलकंठ का दर्शन अवश्य करें, ना मिले फोटो ही सही, व्हाट्सएप ही सही। जय जय श्री राम।